कोई भी रोकने के लिए वहां तैयार नहीं था। सीधा गोल नेट के अंदर। रुपिंदर पाल लेफ्ट फ्लैंक पर, गेंद उन्होंने निकाल दी, अच्छा पास देने का प्रयास था डी के अंदर। और कल भी, ओ यहां मौका बिल्कुल साफ, एक और गोल भारत के नाम, वहां मौजूद थे विवेक प्रसाद। भारतीय हॉकी के जगमगाते सितारे संदीप सिंह। थैंक यू दादा। अभी एक जब हम रेसलिंग, ओ एक और गोल, यहां पर मैं कहूंगा गोल माउथ पे बार बार जगह जो मिल रही है, और भारतीय टीम का भी, ये दोनों टीमें इसी पूल से ज्यादा अच्छी परफॉर्म कर रही हैं, अभी तक अपना कोई भी मैच नहीं हारी है। ओ ये देखिए, यहां तो ये गोलकीपर शायद समझ भी नहीं पाए, आठवां हो गया। आपने जिस तरह की वापसी की है वो सारी दुनिया के लिए एक ऐसा उदाहरण है जो शायद हर कोई उस उदाहरण को देना चाहे, कोट करना चाहे, और इसीलिए आप भी सूरमा, आपकी फिल्म का नाम भी सूरमा। थैंक यू दादा। और यहाँ पर एक और गोल देखने को मिला, सूरमा की बात हुई तो सूरमा की तरह ये मैक्सिमम गोल उनकी पासिस द्वारा मिले हैं और आज भी फील्ड पे दिख रहे हैं। और ये देखिए, जब तक आप सरदार और रुपिंदर की बात करते तब तक एक गोल और, ये गोल नंबर 10। ये बताते हुए संदीप की आंखें आज भी नम हैं 12 सालों के बाद, भले ही वो आपके पर्दे पे दिखाई ना दें लेकिन हम देख पा रहे हैं इस तरह की। और ये एक और गोल, 11वां गोल भारत के लिए। 3 मिनट का वक्त बाकी है दूसरे क्वार्टर में, यानी कि पहले हाफ में। ये देखिए ड्रैग और नेट पर लहरा गई, बहुत अच्छा फ्लिक, इन्होंने एंगल चेंज किया और डायरेक्शन चेंज की, जिससे कि बहुत अच्छा अमित रोहिदास का इसके अंदर स्ट्राइक पावर है। और ये देखिए फर्स्ट रशर उनके पैर पे लगा लेकिन उसके बाद अंदर आता हुआ गोल अंदर चला गया। यहाँ पर रोहिदास ने एक अच्छा फ्लिक किया था, फर्स्ट रशर ने फिर उसको ब्लॉक करते हुए लेके गए और उसका रिबाउंड उठाया हरमनप्रीत ने। हरमनप्रीत ने कोई मौका नहीं दिया और बिल्कुल अच्छा शॉट, वन हैंडेड शॉट, राइट एंगल को गोलकीपर ले रहा है। तो यहाँ पर थोड़ी सी विषय है कि इनको एक वेरिएशन जरूर करना चाहिए, थोड़ा एंगल चेंज करने के लिए। अच्छा गोल वरुण का, यही वेट कर रहा था वरुण का, जो पेट एंगल है लेफ्ट लो और राइट लो दोनों ही इसके अच्छे हैं और अभी तक उनका फ्लिक देखने को नहीं मिला था। बहुत अच्छा, गोलकीपर को टाइम ही नहीं दिया उनके टांग के बीच में से। क्या कुछ अलग होगा, क्या यू टर्न होगा, बैक टू पुशर क्या होगा। रुपिंदर की कोशिश, डिफ्लेक्शन, बिल्कुल कामयाबी मिल गई, ललित कुमार उपाध्याय का आखिरी टच और भारत का 16वां गोल। वो रिसीव करके बैक हैंड शॉट और बैक पुश करना चाहते थे, दोनों ही कर। फिर से अवसर है, इस बार कोई चूक नहीं भारतीय टीम से, बड़ी जल्दी अवसर वापस मिला आकाशदीप को और उसने आकाश छू लिया है। यहाँ पर कुछ वेरिएशन की, मुझे लगता है कि वेरिएशन किया, और एस वी सुनील का बहुत अच्छा ये जो शॉर्ट कॉर्नर एस वी सुनील ने जो डिफ्लेक्ट किया है, ये बहुत रियर शॉर्ट कॉर्नर देखने को मिलते हैं, और एस वी सुनील ने जो डिफ्लेक्ट किया है ये बहुत ही ट्रेनिंग की जरूरत है, क्योंकि पहले आपको बॉल इंजेक्ट करनी है। तो गोलकीपर ने अच्छा सेव किया, गोलकीपर कभी कभी ऊपर आके खेल रहे हैं तो उस चीज़ से भी देखना पड़ेगा। अब गोलकीपर काफ़ी ऊपर हैं और ये एकदम खुला हुआ न्योता था दिलप्रीत के लिए गोल दागने का, गोल नंबर 19 भारत का। संदीप सिंह ऑफ कोर्स आपको कौन भूल सकता है, जितने दिग्गज डिफेंडर होते हैं अक्सर वही फर्स्ट रश किया करते हैं। ये पाजी दिग्गज डिफेंडर की नहीं है ये आपके गोल, और यहाँ पर चिंगलिंग साना का बहुत अच्छा गोल, चिंगलिंग साना शॉट हिट में माहिर हैं और ओलंपिक में भी इनका एक गोल देखने को मिला था शॉट हिट का, और यहाँ पर भी इन्होंने बहुत अच्छा शॉर्ट हैंड मारा और गोलकीपर को स्ट्रेच कराने पर मजबूर कर दिया, लेकिन इतनी क्विक हैंड था कि गोलकीपर ने स्ट्रेच भी किया लेकिन वो समय पर अपनी टांग खोल नहीं पाई। अब अमित रोहिदास आ गए हैं सेकंड बैटरी पर, कोशिश रुपिंदर की है और फट्टा खड़का दिया है, गोल नंबर 21 हरमनप्रीत ने भारत के लिए स्कोर किया है। आकाशदीप जो मैं चाहता हूँ, तो यहाँ भी काफ़ी एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं और ये मौका है वो एक्सपेरिमेंट करने का कि आप अलग अलग खिलाड़ी ट्राई करें। बिल्कुल गोल नंबर 22 भारतीय टीम के लिए। जब आप गोलकीपर को बाहर बुलाएं तो उसकी जगह जो खिलाड़ी आपने भेजा है उसकी जो शर्ट का कलर है वो अलग होना चाहिए, वो अलग कलर की बिग पहननी चाहिए। हरमन
तो कामयाब नहीं, लेकिन अवसर अभी भी है और वो अवसर भुना लिया गया है। सिमरनजीत सिंह ने भारत का 23वां गोल कर दिया, 25 होने की पूरे चांसेस। शायद वो ज्यादा अग्रेशन दिखाने के लिए, तो कम से कम 5 मिनट तो बाहर हैं और ये हमारे अनुसार गोल नंबर 24 है। हरमन का अच्छा पास, वापस रिसीव भी किया और ये फील्ड गोल भी किया, क्या बात है। 3 गोल पेनल्टी कॉर्नर से और एक फील्ड गोल भी हरमनप्रीत के लिए। सब कुछ शुभ है, पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। एक और पॉजिटिव मूव है रुपिंदर पाल सिंह, क्या ये भी फील्ड गोल करेंगे, क्या बात है, छा गए। और एक आउट क्लास गोल, सुनील ये आउट क्लास मैं कहूंगा, ये इस मैच का आउट क्लास गोल है, क्योंकि ये ऐसे शॉट्स जो हैं बहुत कम देखने को मिलते हैं। रुपिंदर पाल अकेले ही अंदर आए और उन्होंने ऐसा हमारा गोलकीपर को कोई मौका नहीं दिया, उनको बाद में लगा कि यार मुझे इस एंगल से हाथ निकालना है जब बॉल जाने के बाद। बड़े मार्जिन से भारत ने हांगकांग को रौंदा है और लगातार दूसरे मैच में एक और बहुत ही बड़ी, बहुत ही धमाकेदार जीत दर्ज की है।